जय हिंद दोस्तों। तो आज मैंने CHSL मेंस का 13 नंबर का मॉक दिया था, जिसमें मेरा स्कोर 293 रहा है। कितने में? 360 नंबर में। पता नहीं है 360 नंबर का कैसा था। 1000 लोगों ने दिया था, जिसमें मेरी 87% बनी है और 90 की एक्यूरेसी सही रही इसमें। और मेरा सेक्शन 1 मैथ और रीजनिंग में 160 नंबर रहा। दो ही क्वेश्चन गलत हुए, दोनों लॉजिकल रीजनिंग के थे, वो में से बिल्कुल नहीं बने, मतलब बन रहे थे पर किए नहीं। और सेक्शन 2 में 133 रहा स्कोर, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 इंग्लिश के और 4 GS के। ओवरऑल 293 रहा 360 में। कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है हर बार ही। अब परसेंटाइल थोड़ा इस वजह से, क्योंकि 1000 सभी अच्छों ने दिया होगा, तो उस हिसाब से ही ये लॉजिकल रीजनिंग के दोनों गलत हो गए थे इसमें। ये वाला ये तो कर सकता था, लेकिन ये वाला नहीं, मुझसे बन रहा था बिल्कुल भी, समझ में नहीं आ रहा था वो। और इंग्लिश में एक ये गलत हो गया, मिस स्पेल्ट ढूंढना था, मैं सही ऑप्शन ही नहीं चूज कर पाया, ऑप्शन मैंने ढंग से नहीं देखे थे इसके एक तो। और दूसरा ये वाली मीनिंग मुझे बिल्कुल लग रही थी, 5 मिनट में मैग्नीफिसेंट ही लगाया रहा, फिर मैंने बदल दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, EI में कंफ्यूज हो गया था। और 4 GS में गलत हो गए, वो GS के समझ में ही नहीं आ रहे थे। इसका तो मैंने 2 एलिमिनेट कर लिए थे, और ये दूसरा फिर गलत ही लग गया ऑप्शन। ये वाला बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था, इसका विक्रमा पुलकेशन द्वितीय है। और इसमें तो ना इस 2 मैंने अलग ही कर दिए थे, नीचे के बिल्कुल ही अलग थे, ऊपर में फिर गलत हो गया, मतलब तुक्के सही नहीं बैठे मेरे इस बार। ये वाला तो यार नाम के हिसाब से तो यही लग रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक रहा स्कोर, 2 लॉजिकल रीजनिंग में 1 तो बन जाता, और 2 इंग्लिश के, मतलब 3 क्वेश्चन 12 से 15 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकते थे अभी इसमें, तो जिसमें मेरी 33 रैंक बन जाती अगर 310 नंबर भी आ जाते एक्स्ट्रा, 15 नंबर ही। ठीक रहा, मॉक का लेवल भी सही था, मैथ सही थी आज की, रीजनिंग भी ज़्यादा कोई वैसा नहीं था। चलिए बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।